अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं अभी आज आप लोगों को आलू की तहरी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें दोनों किस्म की मिर्ची यूज़ करती हूँ, बल्कि तीनों किस्म की, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर मैं पुदीना भी यूज़ करती हूँ, इसलिए उससे और ज़्यादा इसकी जो अरोमा होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिखाने का मकसद ये है, इसलिए है क्योंकि कुछ लड़कियाँ बच्चियाँ होती हैं न्यू जो कुकिंग करना सीखती हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी होता है, बहुत शौक से बनाती हैं इस चीज़ को। तो मैंने सोचा चले मैं इसी से स्टार्ट कर लेती हूँ आज। तो मैंने आज इसके लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, उसमें सबसे पहले ऑयल जो है मैंने लिया है तकरीबन डेढ़ कप ऑयल लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन मैं 1.5 किलो सवा से 1.5 किलो चावल लिए मैंने, क्योंकि ज़्यादा बनाना था मुझे, घर में बच्चे आए हुए थे बहन के तो रुकने के लिए, तो मैंने सोचा बच्चों ने फरमाइश करी, मैंने कहा ठीक है। और आलू लिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो, 1 से 1.25 किलो ही आलू, 1 से 1.25 किलो ही चावल। टोमेटोज़ जो हैं, टमाटर जो है वो ज़रा आजकल महंगे हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने जो इसके अंदर लिए हैं 5 से 6 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। ब्राउन प्याज है इसके अंदर तकरीबन, अगर आप फ्रेश करेंगे तो 2 प्याज ले लें, और अगर ब्राउन लेंगे तो वो आप 1 प्याली के हिसाब से ले लें, 1 प्याली ले लें तकरीबन। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, नमक 1 टेबल स्पून। ठीक है, नमक तो खैर टेस्ट के हिसाब से हमें ऐड भी करना पड़ता है। पुदीना मैंने लिया है तकरीबन 6 से 7 डंडियाँ उसकी लिए, उसके पत्ते निकाल लिए मैंने। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पुदीना। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7, या आप मीडियम वाली भी ले सकते हो और छोटी भी ले सकते हो। अदरक ज्वालन में कटी हुई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ये ऑप्शनल है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साबुत गरम मसाले ने हमें सब चीज़ें लेनी है इसमें, ये देखें, ज़ीरा, साबुत दालचीनी, लौंगें, बड़ी इलायची और काली मिर्चों की तादाद ज़रा ज़्यादा लग रही होगी आपको, क्योंकि मैं ये खा लेती हूँ साथ में ही, तो मुझे पसंद है, तो इसके मैं ज़्यादा डालती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं जो रायता वो कचूमर का जो होता है वो बनाऊंगी, वो तो, और जो चावल है वो मैंने पहले से भिगो लिए हैं यहाँ पर, तो ये चावल भीगे हुए हैं, तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पतीला में हमेशा चावल जितने मुझे चाहिए होते हैं उससे थोड़ा बड़ा ही लेती हूँ, ताकि वो फैल के, भले पतीला बड़ा हो जाए लेकिन चावल उसके अंदर फिर टूटे नहीं और वो ख़राब ना हो, इसलिए तो थोड़ा खुले में पकाया करें चावल, तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैंने तेल डाल दिया है, जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। पहले हम गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर, सारा साबुत गरम मसाला जो भी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, सब ये आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको हम ब्राउन होने देंगे, मैं फिर से कैमरा प्रयोग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए। थोड़ा सा फ्राई करना ताकि इसका खुशबू अच्छी तरीके से हमारे तहारी में आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ मैंने डाल देनी है इसके अंदर प्याज, क्योंकि ये मेरी बाजार की है, तो उसको थोड़ा ब्राउन करना चाह रही थी। ठीक है, तकरीबन जब तक की आवाज़ आए तो मज़ा नहीं आता ना। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये सारे टमाटर जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बिल्कुल लाइवली होम कुकिंग है ये, क्योंकि बिल्कुल घरेलू, तो आप लोगों को इसलिए नॉर्मल तरीके से सिखा रही हूँ। कोई इसमें ऐसा, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, जो भी सिखाऊँगी, वो इसको मैं पहले कवर कर देती हूँ ताकि आराम से पक, इसको थोड़ा मैं टेंडर होने तक, जब तक टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे, जब तक हम इसको पकाएंगे। अभी हम इसमें और कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, ना आलू, ना टमाटर, ना मसाला, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस मैंने इसको थोड़ा हल्के मीडियम, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ा नरम होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने टमाटरों को चेक कर लेते हैं, ये देखो ये सॉफ्ट होने लगे, बस थोड़ा सा मैं इसको मैश कर लूँगी मैशर से, ताकि के बच्चे जो है ना ज़रा ये अवॉइड करते हैं, मोटे मोटे टमाटर मुँह में आते हैं, मुझे भी नहीं पसंद, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैंने सोचा थोड़ा पेट पूजा से शुरू किया जाए।
क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हमें स्पेशली खाने पीने का कितना शौक होता है, और ऊपर से हम दिल्ली वाले। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे से रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी, अपने ब्लॉग्स भी दिखाऊंगी, वैसे भी ब्लॉग्स बनाऊंगी तो वो भी आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और अगर आप लोग ऑब्वियसली नया चैनल है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, क्योंकि फुल घरेलू मॉल मिलने वाला है आप लोगों को। ये देखिए मैं मैश कर रही हूँ उनको, ये जब ये मैश हो गए अच्छे से देखें, अब ये मैशर के साथ ही ना मैं इनको अच्छे तरीके से और इस तरीके से करके अब मैं इसके अंदर पहले डालूंगी मसाले। ये देखें मसालों में क्या था, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी, ये मैंने ऐड कर दी। इसे ऐड करने के बाद मैं इसी से मैशर से इसको इसलिए मिक्स करूँ ताकि टमाटरों के साथ और थोड़े मैश हो जाएगा। मैं नॉर्मली जितने भी जब भी टमाटर मैश करती हूँ, मसाले डालती हूँ, तो इसी तरह मैशर से मिक्स करती हूँ तो टमाटर और अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। मेरी एक पर्सनल आदत है, ये टिप कह लें आप उसको, ठीक है। अगर मुझे इसमें थोड़ा तेल कम लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी, अदरवाइज जैसे मुझे सही लग रहा है कोई ऐसा जैसा कोई, क्योंकि ऐसा उसमें क्वान्टिटी ज़्यादा है। इतनी अच्छी तरीके से टमाटर मैश हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा उसको भून लेंगे, मैशर हम हटा देंगे, थोड़ा चूल्हा हल्का सा तेज करेंगे, तेल हमारा ऊपर आने लगा है, हमारा इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आधे कप से थोड़ा कम ही ऑयल मैंने इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे खाने में ऑयल ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शनल है, जितनी क्वांटिटी आप चाहें मिर्चों की भी उतनी डालें, कोई मसला नहीं, नमक अपने हिसाब से डालें, ठीक है। अब मैंने इसमें अपने आलू ऐड कर देने हैं, आलू को मैं ऐड करूँगी, ये मैंने सारे आलू ऐड कर दिए इसके अंदर, सारे आलू चले गए हैं। मैंने भूनना है थोड़ा सा मसाले के साथ, क्वांटिटी आप देख रहे होंगे अच्छी खासी है, ये ज़्यादा क्वान्टिटी में बन रहा है क्योंकि छुट्टियाँ हैं सर्दियों की, बच्चे वैसे घर आए हैं, हमने फरमाइश की थी, पसंद है उन लोगों को सारी बहुत, ठीक है। तो मिक्स हो गया, अब हम इसमें पानी ऐड करके आलूओं को, पानी ऐड करके आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। पानी बस इतना ऐड करें कि आलू उसमें बस सिर्फ गल जाएँ, जब हमारे आलू गल जाएँ तो ज़्यादा पानी ना बचे, क्योंकि थोड़ी सी भुनाई होकर जब हम चावल डालते हैं ना तो उसका एक अलग खुशबू अलग होती है, थोड़े आलू जब अच्छी तरह भुन जाता है। बस मैंने देखें पानी यहाँ पर देखे, मैंने इसके अंदर एक कप से सवा कप पानी डाला होगा, जिसमें मेरे आलू बहुत ज़्यादा डूबे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा है, मतलब गलने तक का पानी है इसके अंदर। मैंने इसको ढक दिया है और फ्लेम मैंने नॉर्मल कर दिया है, बिल्कुल भी तेज़ चूल्हे पर ना पकाएं कि आलू जल जाएंगे लेकिन गल नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि उस वक्त मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, मैं भूल रही थी कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। हाँ याद आ गया, मुझे याद क्या आया, मुझे मेरी भांजी ने याद दिला दिया। मतलब चैनल घरेलू तौर पे है तो घरेलू ही टाइप की चीज़ें मिलेंगी, घरेलू ही माहौल मिलेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे। आई विश शौक बहुत था, बहुत अरसे से यूट्यूब चैनल बनाना है। फिर मैंने कहा चलो आज हिम्मत करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ दिनों से कोशिश में थी, आप कोशिश करके स्टार्ट किया है तो आप लोग साथ दीजिएगा। चले जब तक हमारे आलू गलते हैं तब तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे आलू कहाँ तक पहुँची है, इनकी कंडीशन पोजिशन जो भी है, ये गल गए आई होप ये गल रहे होंगे, अच्छे से गल रहे हैं। और पानी भी इसमें बस इतना ही है, मेरा ग्रिपर मुझे मिल नहीं रहा है बिल्कुल, तो पानी भी इसमें इतना ही है जितना ब्लर हो गया कैमरा स्टीम से। अच्छा अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, जो कि मैंने बताई थी कटी हुई है, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। अच्छा हरी मिर्च से मैं अभी नहीं, पहले अब मैं इसमें सारे चावल ऐड कर दूँगी, पानी मैंने निकाल लिया था चावलों का, सारे चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छा और जो नमक है ना इसके अंदर, अभी जब हम
अभी जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एक कोर पानी का रखेंगे, तो नमक मैं जब चेक करूंगी इसके अंदर, नमक में थोड़ी सी तेजी रखनी है, थोड़ा सा हमको तेज फील हो वो नमक, उससे फिर नमक इसके अंदर बैलेंस रहता है। चूल्हा में थोड़ा तेज कर दूंगी। अब मैं चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तहारी वगैरह के लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाले जो होते हैं ना, जो बिरयानी के लिए यूज़ होता है, उस तरीके के चावल मुझे नहीं अच्छे लगते, थोड़े नॉर्मल चावल अच्छे लगते हैं। बिरयानी में मुझे अच्छे बहुत महंगे वाले चावल अच्छे लगते हैं, तहारी में नॉर्मल रेंज के चावल जो होते हैं, क्योंकि वो मतलब एक देसी सी वैसी नॉर्मल पकाने वाली। और वैसे भी मैंने इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। बिरयानी में देखिए चावल आपको पता है कि बिल्कुल अलग अलग होना, वैसा तहारी थोड़ी सी मुझे नॉर्मल चावलों की सॉफ्टनेस उसकी अच्छी लगती है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया और मैंने इसको नाप लिया, ये मैं तकरीबन एक पोर से थोड़ा सा मैं कमी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा फुल प्रॉपर एक पोर नहीं। नमक बिल्कुल सीखा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने चखिया है गेंदी से। मैं इसके अंदर नमक का इजाफा करूँगी, क्योंकि नमक मैंने अभी आप लोगों को जैसे बताया कि नमक का जो है वो थोड़ा तेज़ी होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस रहे। ये हाफ टेबल स्पून नमक मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, और अभी इसको मज़ीद चखूँगी मैं, मिक्स करूँगी पहले अच्छे से। बहुत एहतियात से मिक्स करने के लिए साइड से आप यूँ चलाते लाए और ये घुमा के फिर बीच से आराम से निकालें, ताकि इतना चावल टूटे ना आए। ये अच्छे तरीके से ऐसे हम इसको चखूंगी। नमक अब मुझे बेहतर सही है बस मैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी तेज़ी के लिए और नमक और डालूँगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक डालूँगी। पहले मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया था, अब मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें नमक मज़ीद। और बस अब मैं इसके अंदर ये कटी हुई हरी मिर्चें और ये पुदीना ये मैंने ऐड कर दिया। और अगर इसके अंदर आप चाहें तो आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत मज़े का एक बिरयानी टाइप का जो ना वो आ जाता है जायका, ठीक है। और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें ढल गया। अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो, बीच बीच में मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी एक दो दफ़ा, फिर हम इसको दम पर छोड़ेंगे। अब मैं ये खोल के चेक कर लूँ इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हुआ हो, मेरे नीचे से लग सकता है ना। तब मैंने खोला इसको और एक दफ़ा इसमें चमचा चलाया, पानी इसका ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इतना प्यारा देखो कलर यार, पुदीना और हरी मिर्च का जो ग्रीन है ना, ठीक है। ये बीच से भी आप हल्के ठीक है। बस अब मैं इसका चूल्हा हल्का करके ढकना रख के पूरा हल्का करूँगी और इसको दम पे छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। दम पे जाएंगे, मैंने फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर दिया है दम के लिए, ठीक है। अच्छा भाई अभी हमारे देखें यमी हम आ गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं डिश आउट कर लूँगी, ठीक है। कितने प्यारे और कितने मज़ेदार शॉर्ट कर दिया है, कितना मज़ेदार। इसके साथ मैंने ये रायता बना लिया जिसमें प्याज और खीरा डाल दिया मैंने और नमक। ये इसके साथ लाल चटनी मज़ेदार सी और ये मज़ेदार और यम्मी सी तहारी। ओके तो अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। कुछ भी प्लान नहीं है कि क्या बनाना है, क्या करना है, बाहर का बनाना है, घर का बनाना है, कुछ नहीं पता क्या व्लॉग होगा। अल्लाह हाफ़िज़।